आय का स्रोत जरूरी है। नौकरी, स्वयं रोजगार और व्यवसाय, इन कैटेगरीज में आने वाले लोगों की लाइफस्टाइल, जिंदगी जीने का अंदाज जानने के लिए हमने एक सर्वे किया। मेरा तो सब कुछ वक्त के हिसाब से चलता है। सुबह 8-10 की लोकल, उसके बाद 9 से 5 ऑफिस की ड्यूटी, बाद में घर की। ऑफिस छूटने के बाद एक पैसे का भी टेंशन नहीं होता। हाँ, छुट्टी लेने पर बॉस की जिद्दी सुननी पड़ती है और ना लेने पर बीवी की। नौकरी करता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, बस मजे कर रहा हूँ। 24 घंटे में 8 घंटे की ड्यूटी के बाद बस फुर्सत ही फुर्सत, टाइम ही टाइम। दोस्तों के साथ घूमता हूँ, फिरता हूँ, ऐश करता हूँ। इतना समझ लो भैया कि अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला है। अपुन तो एकदम बिंदास बंदा है बाप। काकू, अपुन किसी का नौकर तो है नहीं, ये साहब जी के पीछे धूम हिलाता फिरेगा। हाँ साहब जी, चलो साहब जी। हमारा यार अपने खुद का रिक्शा है, रिक्शा चलाता हूँ और पैसा कमाता हूँ। क्या अंधेरी, ये तो अपुन का रोज का है, बोले तो मीटर डाउन। कौन पसीना एक करने वाला, मैं हूँ धरती का बेटा किसान। खुदा का लाख लाख शुक्र मियाँ, अपनी जमीनें हैं, अपना व्यापार है। म्यूजिक, मस्ती और मैजिक, अपनी लाइफ की तो बस यही फिलॉसफी है। ना किसी की नौकरी, ना किसी की गुलामी, बस आजाद रहता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ और पैसा कमाता हूँ। अपनी लाइफ में तो बस 8 प्रहर राग दरबारी है। 30 साल पहले जब गांव से शहर आया था तो ढंग की चप्पलें भी नहीं थी पैरों में, आंखों में एक सपना था, जिंदगी में कामयाब होना है। तो उतर गए मैदान में कमर कस के, मुश्किलें थी, बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन लगन सच हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इतना कमाया कि 3 पुश्तें आराम से जिंदगी गुजार सकती है। जैसा कि आपने देखा, तीनों वर्गों की सोच एक दूसरे से बहुत अलग है। ऊपर से देखे तो सभी खुशहाल दिखाई देते हैं, मगर क्या वाकई ये सब अपने मौजूदा हालत से संतुष्ट हैं? अगर हम नौकरी पेशा क्लास की बात करें तो उनके पास आमदनी का लगा बंधा स्रोत है, टाइम भी काफी है, लेकिन पैसा? हाँ, क्यों नहीं, हर महीने बराबर टाइम पर पगार मिल जाती है, सब खर्चे भी पूरे हो जाते, बस बचत नहीं हो पाती, लाइफ में यही एक प्रॉब्लम है। हाँ, पर ओवर टाइम करने पर कुछ न कुछ कमाई तो हो ही जाती है ना। ओवरटाइम हमेशा का होता है, महीने में 2-4 बार, इसीलिए महीने के शुरुआत में ही बजट बनाकर चलना पड़ता है, फिर भी महीने के आखिर में प्रॉब्लम हो ही जाती है। पैसे तो हैं, लेकिन कुछ ज्यादा कमाना चाहता हूँ, अपने भी कुछ सपने हैं यार, गाड़ी, बंगला, जिंदगी के ऐशो आराम, और इसीलिए तो लॉटरी का टिकट खरीदता हूँ। बात अलग है कि आज तक कभी जैकपॉट नहीं लगा, लेकिन लगेगा जरूर एक दिन। देखा आपने, नौकरी पेशा लोग आज भी तरह तरह की समस्याओं से इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के पास पैसे भी है और समय भी है, तो क्या वो अपने मौजूदा हालात से संतुष्ट है? कभी खुशी कभी गम, रिक्शा दौड़ता है तो पैसा आता है, रिक्शा रुकता है तो पैसा भी रुक जाता है, बस ऐसे ही चल रही है जिंदगी, चलते रुकते। ये महंगाई देख रहे हैं आप, अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट कर रखी है इस महंगाई ने, और सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी दूसरे लोगों की तरह काम करना पड़ता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, इसलिए कभी हाथों में लाखों होते हैं तो कभी 1 रुपया भी नहीं होता। किसान के घर में पैसा कहाँ, पैसा तो मियाँ पैसे वालों के पास होता है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, हम तो बरसों से यही करते आ रहे हैं, इसलिए कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना। पैसे की कमी और कारोबार में उतार चढ़ाव, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान ना तो सेल्फ एम्प्लॉयड के पास है और ना ही नौकरी पेशा के पास। इन दोनों वर्गों की जिंदगी में इन परेशानियों के अलावा एक और बड़ी समस्या है और वो है सुरक्षा। 20-22 साल पढ़ाई करने के बाद जब बैंक में नौकरी मिली थी तब कुछ सपने देखे थे, आज 15 साल के बाद वो सपने अधूरे ही हैं। और 25 साल गुजर जाएंगे नौकरी करते करते, तब क्या होगा? बरसों से कोशिश कर रहे हैं कि
किराए का मकान छोड़ के खुद का घर खरीद ले, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाया। आज नौकरी है तो गाड़ी बड़े ठाट से चल रही है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि किसी कारणवश अगर ये नौकरी चली गई तो क्या, क्या मैं ये लाइफस्टाइल दोबारा जी पाऊंगा? नौकरी पेशा वर्ग इसलिए इनसिक्योर है क्योंकि उनकी आय का दायरा बहुत सीमित है, मगर सेल्फ एम्प्लॉय की आमदनी का दायरा इतना सीमित नहीं है। तो फिर वो अपने आप को इनसिक्योर क्यों समझते हैं? हाँ, 2 साल पहले पैर फ्रैक्चर हो गया था, 3 महीने बेड पर था, मालूम भूखो मरने की नौबत आ गई थी। कई बार ये सोचकर घबरा जाता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। किसान की तकदीर तो आसमानी फैसलों की मोहताज है मियां, बारिश वक्त पर और हिसाब से हो गई तो सुभान अल्लाह, वरना अल्लाह अल्लाह। तो जैसा कि हमने सर्वे से जाना कि दुनिया में अगर कोई सही मायनों में सुखी, संपन्न और सुरक्षित है तो वो है बिजनेस करने वाले लोग। सुख ही सुख, ऐश ही ऐश, आराम ही आराम, इन कामयाब हस्तियों को देखकर लगता है मानो ये सब धरती के बजाय किसी और ब्रह्मांड के प्राणी हैं। मगर नहीं दोस्तों, ये सब हस्तियां भी हमारी और आपकी तरह इसी दुनिया के लोग हैं। तो अगर ये लोग मेहनत करके जिंदगी की इन ऊंचाइयों को छू सकते हैं तो क्या आप और हम नहीं छू सकते? इम्पॉसिबल। अरे जो हार अपने घर के छत को नहीं छू सके वो इन ऊंचाइयों को क्या खाक छुएंगे? पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि अब कोई अच्छा चांस मिले। रिक्शा चलाते चलाते आधी जिंदगी तो कट गई, बाकी की भी कट जाएगी। बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, ऊंचे कारोबार, ये सब तो अमीरों की बातें हैं मियाँ। वहाँ हम ठहरे गांव देहात के रहने वाले, मिट्टी में खेल कूद के इतने बड़े हुए, हल चलाते चलाते यहाँ तक आ गए, आखिर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, और इसके सिवा कर क्या सकते हैं? बिजनेस? हाँ, स्टूडियो का बिजनेस तो कर सकता हूँ। इतना आसान काम नहीं है, बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और ऑफिस स्टाफ इन सब की तो जरूरत है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पास पैसा, जमीन और अनुभव, यानी वो सारे साधन मौजूद है जो एक बड़े व्यवसाय की बुनियाद होते हैं, लेकिन क्या आप में रिस्क उठाने का साहस है? दुनिया की इकोनॉमी को देखा जाए तो 80% लोग लोअर और मिडिल क्लास से हैं, यानी सिर्फ 20% लोग ही अपर क्लास के हैं। 80% लोगों के पास केवल 20% पैसा है और 80% धन दौलत के मालिक सिर्फ 20% लोग हैं, क्योंकि उन 20% लोगों में रिस्क उठाने का हौसला है। क्या हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे? क्या मैं कभी ऊंचे लोगों की तरह बन पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार को पैसा, समय और सुरक्षा एक साथ नहीं दे पाऊंगा? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाया जा सके? क्या मुझे मिलेगी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी? जी हाँ दोस्तों, एक रास्ता है, जरूर है, एक ऐसा आधुनिक रास्ता है जो आपकी जिंदगी में इंकलाब ला सकता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। मैं समय हूँ, मैंने कई युग देखे हैं, मानव प्रगति के इतिहास का सदियों से मैं साक्षी रहा हूँ, और मैंने देखा है जहाँ समस्या है वहीं समाधान भी होता है। आज के युग में पैसा, समय और सुरक्षा प्रतिष्ठा के साथ देने वाला एक ही रास्ता है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। 40 साल पुराने इस व्यवसाय में किसी विशेष योग्यता या आपके अनुभव की आवश्यकता नहीं है, चाहिए तो सिर्फ इच्छा शक्ति, और यही आपको उतना पैसा दे सकती है जितना आपने सोचा है, क्योंकि आने वाले दिनों में हर 10 करोड़पति में से 7 करोड़पति इसी व्यवसाय के माध्यम से बनने वाले हैं। इसीलिए ये व्यवसाय
व्यक्ति की मौजूदा जरूरत बन गया है। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता है